हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक। एंड आई एम रविंदर पाठक। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है जो करंटली इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो सितंबर इंटेक 2023 के लिए एडमिशन ले चुके हैं या आगे अभी विंटर इंटेक या आगे इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को चूज करेंगे। तीन गुड न्यूज है जो इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें दिया गया है। IGT में आपको अपडेट कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का स्टेटस यूनिवर्सिटी का बहुत जल्दी होने वाला है। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी हो जाएगा। सेकंड गुड न्यूज ये है कि इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का अपना एक और नया हॉस्पिटल बन के रेडी हो गया है। पहले से अपने दो हॉस्पिटल हैं जहाँ काफ़ी अच्छा क्लिनिकल होता है बच्चों का, अब तीसरा भी हॉस्पिटल रेडी हो गया। और ये हॉस्पिटल काफ़ी हाईटेक है, हाईटेक इक्विपमेंट है, तो आप समझ सकते हैं आज के हिसाब से जो हॉस्पिटल बना है उसमें अगर आपका क्लिनिकल होगा तो और अच्छा होगा। वैसे इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का क्लिनिकल बहुत अच्छा है। इंडिजन सिटी में पूरे उज्बेकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल लोकेटेड है इंडिजन सिटी में। और इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के अपने दो बड़े हॉस्पिटल पहले थे, तीसरा भी बनकर रेडी हो गया है। थर्ड गुड न्यूज ये है कि एकेडमिक बिल्डिंग, जो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग आप लोगों को मिलने वाली थी, वो बनके रेडी हो गई है। अक्टूबर से आपकी क्लासेस न्यू बिल्डिंग्स में स्टार्ट होंगी, जिसके क्लासरूम काफ़ी हाईटेक है, हाईटेक इक्विपमेंट है। आज के हिसाब से जो आज की टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से क्लासरूम को बनाया गया है, तो आप समझ सकते हैं अब स्टडी करने में आप लोगों को और अच्छा लगेगा, और नई नई चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप स्टडी करेंगे। तो ये वो तीन गुड न्यूज़ था जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अपडेट किया गया है। जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट उज्बेकिस्तान में बाकी मेडिकल कॉलेजेस से अच्छा है, अच्छी फैसिलिटी है, चाहे वो लाइब्रेरी को लेके हो, चाहे क्लिनिकल को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी को लेके हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में मस्ट नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर मैथ्स ज्वाइन करें, एक साथ पूरे साल का पैसा पे करें मैथ्स को। आप मैथ्स ज्वाइन करते हैं मंथली पे करना है, सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन है, मैथ्स में नहीं खाना खाना, आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। एवरी फ्लोर पे एक किचन प्रोवाइड किया गया है जहां एक साथ 10 से 15 बच्चे कुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिजन में पहले से ही आप लोगों को फैसिलिटी दी हुई है, जिस वजह से काफ़ी बच्चों ने इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को चूज़ किया है। तो आई होप ये जो बातें मैंने आपको बताई आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।